जब मौसम सुहावना हो तो हर कोई कहता है कि चलो यार आज पकोड़े बनाते हैं, मीठा बनाते हैं या फिर कहीं बाहर घूम के आते हैं। कुछ लोग ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ कसौली स्ट्रीट फूड का भी इंजॉय करके आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल बन गया था। कसौली का यह सफर हमने मानसून में किया था। कसौली में मानसून, अरे भाई नज़ारों का तो क्या कहना। कसौली पूरी तरह गिर गया था बादलों की लपेट में। इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी जन्नत यहाँ ही आ गई हो। यह ठंडी ठंडी हवाएं, चारों ओर हरियाली, छन छन बरसता पानी, इसी से है प्रकृति की सुंदर कहानी। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं कसौली की स्ट्रीट फूड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कसौली माल रोड पर हैं छोटी छोटी दुकानें, और इन छोटी छोटी दुकानों पर है बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाने पीने का लाजवाब फूड। माल रोड पर सबसे पहले आता है फेमस तिब्बतीन फूड। हल्के हल्के बादलों के बीच फूड टेस्ट करने का अपना अलग ही मज़ा है। यहाँ आपको चाइनीज स्नैक्स, वेज नॉन वेज भी मिल जाएगा, और साथ में मोमोज चाउमीन का स्वाद भी चख सकते हो। रेट लिस्ट भी यहाँ लगी हुई है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें आपको बढ़िया सा ढाबा दिखाएंगे जहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप बहुत ही सस्ते रेट में कर सकते हो। उसके बाद आता है मेजर ध्यानचंद चौक। बादल देखो यहाँ कैसे छूकर जा रहे हैं और हल्के हल्के हमारी सांसों में समा रहे हैं। इन्हीं नज़ारों को तो देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। उसके बाद आती है कसौली की फेमस हेरिटेज मार्केट। इस मार्केट में आपको रेस्टोरेंट ढाबे मिल जाएंगे। इस जगह में तो मौसम भी बहुत खुश मिजाज हुआ पड़ा है। उसके बाद हेरिटेज मार्केट में है सबसे फेमस नरेंद्र स्वीट्स का बन समोसा, जो कि पूरी कसौली में मशहूर है। ऐसा बंद के साथ समोसा आपने कभी नहीं खाया होगा। इस बंद में समोसा, चटनी, छोले की सब्जी डालते हैं। यहाँ दूर दूर से और भी बहुत सारे लोग बन समोसे को खाने के लिए आते हैं। यहाँ आपको बन गुलाब जामुन भी मिल जाएगी, जो कि इस बंद में रखकर बनाते हैं, जिसका स्वाद सबसे अलग है। और जलेबी भी यहाँ की फेमस है। आपको यहाँ और भी बहुत सारे आइटम्स खाने को मिल जाएंगी। यहाँ पर HF सुपर डेयरी के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। कसौली स्ट्रीट फूड छोटी सी है, पर यहाँ के स्ट्रीट फूड का हर कोई दीवाना है। यहाँ गोलगप्पे, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड सॉफ्टी, हर चीज आपको मिल जाएगी। इस मार्केट में उसके बाद पंजाब आनंद वेज ढाबा भी फेमस है। यहाँ आपको बहुत ही सस्ते रेट में चाय, परोठा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी मिल जाएगा। आपको इसका मेनू भी दिखा देते हैं। उसके बाद चर्च खुलने का समय 12 बजे है। चलिए आपको बादलों में गिरी हुई चर्च भी दिखा देते हैं। बारिश में तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। अगर आप कसौली की और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कसौली की वीडियो सर्च कर सकते हो। उसमें हमने कसौली की सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हो, कौन सा रूम ले सकते हो, क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।